तो देखिए हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हुए थे, एमसीडी के कमिश्नर से बातचीत कर रहे थे, कहां कहां कार्रवाई होनी है उसके बारे में हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल किया। अब ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी से हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर आप इनको इन तस्वीरों में नजर आएगा। प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, एमसीडी के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, नगर निगम के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जा रहा है। यहाँ पर कहना है कि नोटिस पहले से दिया जा रहा था, लंबे वक्त से कहा जा रहा था, लेकिन ना तो नोटिस का कोई जवाब दिया गया और ना ही अवैध निर्माण को हटाया गया। उसके बाद ये बुलडोजर चला है, नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई है। आसपास कितनी भीड़ है इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप, प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो भी अवैध निर्माण था, देखिए छोटे छोटे खोखे, छोटे छोटी ढकेल लगी हुई हैं, उनको बुलडोजर की मदद से तोड़ा जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है, तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर इस वक्त अगर देखें तो अच्छी खासी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, एमसीडी के लोग पहुंचे हुए हैं। जहांगीरपुरी में भारी सुरक्षा भी है क्योंकि जिस तरीके से हिंसा वहां पर हुई है उसके बाद एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं और अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। वहां के लोगों का कहना है, एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि पहले भी नोटिस वगैरह दिया गया है लेकिन उसका ना तो कोई जवाब आया, ना अवैध निर्माण हटाया गया और उसके बाद एमसीडी की जहांगीरपुरी में ये कार्रवाई की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग वहां पहुंचे हुए, बुलडोजर को आप देख सकते हैं, आसपास कितनी ज्यादा भीड़ है ये भी आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और जो छोटे छोटे दुकान बना लिए जाते हैं सड़कों पर अवैध तरीके से, उनको फिलहाल यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले एक छोटा खोखा सड़क पर ही लगा हुआ था, उसे हटाया गया और अब जो वहां पर अवैध निर्माण किया गया है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई एमसीडी की ओर से जहांगीरपुरी में हो रही है। एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन की बड़ी टीम वहां पर पहुंची हुई है, कार्रवाई के दौरान किसी भी तरीके की कोई स्थिति पैदा ना हो इसलिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर तमाम इंतजाम है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और सड़क पर जो अवैध अतिक्रमण कर लिया जाता है, अवैध निर्माण किया जाता है, उसको तोड़ा जा रहा है। अब ये देखिए कैमरे की मदद से तीन अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक ही जगह की ये तस्वीरें हैं लेकिन तीन अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग वहां पर जुटे हुए हैं, बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ रहा है, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, एमसीडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये अलग अलग कैमरों की मदद से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली के जहांगीरपुरी की ही ये तस्वीरें हैं जहां पर अब से तीन दिन पहले, दो दिन पहले ही हिंसा हुई थी। कैमरा वन, कैमरा टू और कैमरा तीन की मदद से एक एक तस्वीर वहां की हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। एमसीडी के अधिकारी सुबह सुबह ही वहां पर पहुंचे हुए हैं और अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पूरी कार्रवाई वहां पर की जा रही है। जो सड़क पर बने हुए अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है, अलग अलग कैमरों की मदद से वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैम टू की भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं, उसमें आप देख सकते हैं जो सड़क पर अवैध अतिक्रमण होता है बुलडोजर उसे ध्वस्त कर रहा है। तीसरी तस्वीर भी बुलडोजर की ही तस्वीर है जहाँ अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने जब एमसीडी के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना है सड़क पर जो अवैध निर्माण कर लिया जाता है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, पहले से कई बार नोटिस दिया गया लेकिन नोटिस का ना जवाब आया ना अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी से ही इसकी शुरुआत की गई है। अब अलग अलग इसको लेकर तर्क राजनेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं क्योंकि अब से दो दिन पहले ही जहांगीरपुरी में ही हिंसा हुई थी। सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी से ही क्यों आखिर इसकी शुरुआत हो रही है। और अब ये देखिए पूरा लॉन्ग शॉट हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे की मदद से, कितनी भीड़ वहां पर इकट्ठी है, पुलिस प्रशासन कितनी बड़ी संख्या में वहां पहुंचा हुआ है और किस तरीके से अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। हिंसा पर एक्शन में बुलडोजर नजर आ रहा है, अवैध निर्माण को वहां से हटाया गया है, एमसीडी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई जहांगीरपुरी में की गई है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, वहां पर कोई दंगा फसाद ना हो इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट है, पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में पहुंचा हुआ है, एमसीडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर से ये कार्रवाई की जा रही है। जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें और ऐसे में क्योंकि वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब पिछले दो दिनों में रहे हैं, ऐसे में पुलिस के अधिकारी तो वहां पर पहुंचे ही हुए हैं, इसके साथ साथ
अगर देखें तो एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि कोई भी हिंसा फिर से वहां पर ना भड़क सके।